पंजाबी शेर ने 6 गेंदों में ही पलट दी हारी हुई बाजी। अंपायर पर लगा फिक्सिंग का आरोप। मैदान में ही क्यों रोने लगे थे मैथ्यू वेड। आवेश खान ने टीम इंडिया को कर दिया था बर्बाद। बिहार के लाल ने फिर जीता 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल। सूर्य कुमार यादव ने रचा इतिहास। आखिरी 6 गेंदों पर ऑस्ट्रेलिया को मैच जीतने के लिए 10 रन चाहिए थे। हर मैच की तरह इस मैच में भी ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मैथ्यू वेड का बल्ला आग उगल रहा था। एक छक्का और एक चौका ही विराट कोहली के आईपीएल वाले घर में टीम इंडिया को शर्मसार करने के लिए काफ़ी था। पूरे चिन्नास्वामी स्टेडियम में मातम का माहौल छा गया था। सूर्या के माथे पर भी टेंशन की लकीरें साफ साफ दिखाई दे रही थी। यादव जी ने हिम्मत दिखाते हुए आखिरी ओवर की जिम्मेदारी पंजाबी शेर अर्शदीप सिंह के हवाले कर दी थी। अर्शदीप के क्रिकेटिंग करियर का फैसला इस ओवर में होने वाला था, क्योंकि तीसरे टी20 मैच में आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया को मैच जीतने के लिए 21 रन चाहिए थे। उस मैच में प्रसिद्ध किसना 21 रन नहीं बचा पाए थे और हिंदुस्तान को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद किसना का करियर बर्बाद हो गया था और प्रसिद्ध किसना को साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में मौका नहीं दिया गया था। इस बार अर्शदीप सिंह की आखिरी ओवर में असली अग्नि परीक्षा होने वाली थी। सिंह इज किंग के नाम से मशहूर अर्शदीप ने शुरू के 2 गेंदों पर खतरनाक दिख रहे मैथ्यू वेड को चारों खाने चित कर दिया था। चौका छक्का की तो बात ही छोड़िए, मैथ्यू वेड 1 रन तक नहीं ले पाए थे शुरू के 2 गेंदों पर। अब ऑस्ट्रेलिया को अपनी इज्जत बचाने के लिए आखिरी के 4 गेंदों पर 10 रन चाहिए थे। आखिरी ओवर में अंपायर वीरेंद्र शर्मा ने भी भारत का खूब समर्थन किया था। अर्शदीप की बाउंसर मैथ्यू वेड के सर से काफी ऊपर जाती हुई गेंद को भी अंपायर ने वाइड नहीं दिया था। अंपायर के इस फैसले के बाद मैथ्यू वेड मैदान में ही गुस्से से लाल पीले हो गए थे, मगर अंपायर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। घमंड में चूर मैथ्यू वेड अर्शदीप की तीसरी गेंद पर छक्का मारने के चक्कर में बाउंड्री लाइन पर खड़े श्रेयस अय्यर को कैच थमा बैठते हैं। मैथ्यू वेड के आउट होते ही पूरे चिन्नास्वामी स्टेडियम में जश्न का माहौल चालू हो जाता है। सभी दर्शक खड़े होकर अर्शदीप पाजी के सम्मान में जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। सूर्या के खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता है, क्योंकि सूर्या भी जानते थे अगर मैथ्यू वेड पूरा 6 गेंद खेल लेते तो ऑस्ट्रेलिया यह मैच आसानी से जीत जाता। अब कंगारुओं को मैच जीतने के लिए आखिरी के 3 गेंदों पर 10 रन बनाने थे। अर्शदीप की अगली ही गेंद पर जेसन बेरहनराव ने सामने की ओर शानदार शॉट मारा, लेकिन अंपायर वीरेंद्र शर्मा गेंद के सामने आ जाते हैं, जिसकी वजह से वह गेंद चौका नहीं जा पाती है। और इस तरह से अर्शदीप सिंह ने आखिरी ओवर में शानदार कातिलाना गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 4 रन देते हैं और इसकी वजह से हिंदुस्तान 5वें और आखिरी टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 रनों से हरा देती है। हालांकि दोस्तों, आवेश खान ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली थी ऑस्ट्रेलिया को मैच जिताने के लिए। आवेश खान के 18वें ओवर में मैथ्यू वेड ने लगातार 3 चौके मारे थे, जिसकी वजह से उस ओवर में मैथ्यू वेड ने टोटल 15 रन लूट लिए थे, जिसके बाद से ऑस्ट्रेलिया यह मैच जीतने के काफी ज्यादा करीब नजर आ रही थी। लेकिन 19वें ओवर में मुकेश कुमार ने एक बार फिर से घातक गेंदबाजी करते हुए साबित कर दिया कि आखिर मुकेश कुमार को आने वाले टाइम का सबसे घातक गेंदबाज क्यों बोला जा रहा है डेथ ओवर का। मुकेश कुमार ने पारी के 19वें ओवर में सिर्फ 6 रन खर्च किए थे। उस ओवर में मुकेश कुमार ने लगातार 2 विकेट भी झटके थे, जिसके बाद से आज पूरे हिंदुस्तान में मुकेश कुमार की गेंदबाजी के ही चर्चे हो रहे थे। ऐतिहासिक मैच जीतने के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मुकेश कुमार और अर्शदीप सिंह के आखिरी ओवर की जमकर तारीफ करी।